नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दो अहम चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में जोड़ करके लगातार दिखाई जाती है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से पहले देश को कोई जानता नहीं था और नरेंद्र मोदी इतना घूमे दुनिया के अंदर, वहां वहां उन देशों में गए हैं जहां पर कई कई साल तक कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं गया था या कहीं पर कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं था। नरेंद्र मोदी वहां तक गए, फिर उसके बाद में वहां से वापसी क्या लाए? वहां से देश को जो है वो पैसा मिला, वहां के उद्योगपतियों ने भारत में आकर के निवेश किया, पैसा लगाया। लेकिन एक खबर सामने आई जो खबर डराती है, और वो खबर डराती इसलिए है क्योंकि इस तरह की खबर जो है वो मौजूदा समय में देश के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। खबर आपके सामने है, हिंदुस्तान की खबर है और खबर पुरानी नहीं है, अभी चार रोज पहले की 27 मार्च की खबर है। इस खबर में क्या लिखा है? विदेशी निवेशकों का टूट रहा भरोसा, भारत में बेचे 1.15 लाख करोड़ के शेयर। भारत के अंदर जो बाहर के उद्योगपति थे, जो विदेशों के उद्योगपति थे, जिन्होंने अपना पैसा यहां पर लगाया हुआ था अलग अलग सेक्टर में, कंपनी के माध्यम से और तमाम अलग अलग चीजों के माध्यम से, उन लोगों ने अपना वो पैसा निकाल लिया है। और कितना पैसा निकाल लिया है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा उन्होंने अपना निकाल लिया है। सोच करके देखिए कितनी बड़ी खबर है। और यह खबर आप अंत तक देखिए, मैं आपको इस खबर के अंदर दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्या कहते थे, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने तब वो क्या कह रहे थे, और आज देश के हालात क्या बने हुए हैं। एक एक करके पर्दर पर जो है वो आपको खबरों की गहराई में लेकर के जाएंगे ताकि खबर जो है वो आपको सही से समझ में आए। और इन खबरों के पीछे जो है मेहनत करनी पड़ती है। गोदी मीडिया के तरीके से नहीं कि दो मौलाना बैठाए, दो पंडित बैठाए और उन्होंने काऊ काऊ किया और आधा घंटा कब खत्म हो गया पता नहीं चला। इन खबरों के लिए कई घंटे मेहनत करके तब जाकर के खबर जो है वो निकाली जाती है। अब देखिए इसमें, इसी खबर में आगे देखिए आप, भारतीय शेयर बाजार को लेकर के विदेशी निवेशकों का भरोसा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI ने इस साल अब तक भारतीय बाजारों से 1,14,855 करोड़ रुपए की निकासी की है, अपना पैसा निकाल लिया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है वो अपना निकाल लिया है। अब डिपॉजिटरी के जो आंकड़े होते हैं कि कितना पैसा जमा है देश के अंदर, उसके आंकड़े के अनुसार, और सबसे हैरानी की बात यह है, अब बहुत गहराई से समझिए इस बात को, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए ये जो निकाला है वो मात्र 3 महीने के अंदर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये पैसा निकाल लिया गया। अब डिपॉजिटरी के आंकड़े क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी के आंकड़े कहते हैं कि इस महीने, ये जो मार्च का महीना, 27 मार्च को खबर छपी थी, इस महीने 48,261 करोड़ रुपए की निकासी हो गई है। इसी तरह से आज की तारीख तक, यानी 27 मार्च की तारीख तक 2022 में विदेशी निवेशकों की जो निकासी का आंकड़ा है वो 1,14,855 करोड़ रुपए निकासी पर पहुंच गया है। अब देखिए कब, कौन कौन से महीने में कितना कितना पैसा निकला है, केवल 3 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो निकाल लिया है। ये आप देखिए डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार FPI ने जनवरी में भारतीय शेयर बाजार में से 28,526 करोड़ रुपए, थोड़े आंकड़े हैं, आंकड़े बोर कर देते हैं, आंकड़े विचलित कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूं चाहूंगा आप थोड़ा गहराई से सुनिए इस खबर को, क्योंकि ये खबर महत्वपूर्ण है। ये बाहर से पैसा लगता है तभी जो है उद्योग धंधे, रोजगार के अवसर, तमाम सारी चीजें जो है वो फलती फूलती हैं, लेकिन अगर बाहर का पैसा जो डला हुआ है यहां पर अगर वो निकाल ले रहे हैं 3 महीने के अंदर, अगर 1 लाख करोड़ रुपए निकल जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। ये खबर गोदी मीडिया में भले ही ना चले लेकिन बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आप ध्यान से देखिए इसको। जनवरी के अंदर 28,526 करोड़ रुपए निकले, बढ़ता जा रहा है। फरवरी के अंदर 38,068 करोड़ रुपए जो है वो निकल गए हैं, और उसके बाद में मार्च के अंदर 48,261 करोड़ रुपए निकल गए हैं, 1,14,855 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। ये मोदी सरकार की जो है वो सच्चाई है। अब TV9 भारतवर्ष ने इस खबर को लेकर के लिखा है, विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से निकाला
14 अरब डॉलर का निवेश, वही 1,14,000 करोड़ रुपए को जो है जो हम बोल रहे हैं उसको 14 अरब डॉलर जो है इन्होंने लिखा है। अब इसमें देखिए कि ये रिपोर्ट भी डराती है। इसमें लिखा है एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल निवेशकों ने भारत, ताइवान और कोरिया, देखिए भारत की गिनती कोरिया के साथ में यहां पर हो रही है, कोरिया में किम जोंग और उसका किम जोंग उन का जो है वो शासन है, और फिर वहां के साथ में हमारा कंपैरिजन होना, उस लाइन में हमारा नाम लिखा जाना, ये अपने आप में जो है क्या कहता है। भारत, ताइवान और कोरिया जैसे देशों से अपना निवेश निकाल लिया है, पैसा कहां डाला है, पैसा डाला ब्राजील में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, और इससे पहले विदेशी निवेशकों ने 2008 में करीब 16 अरब डॉलर के शेयर बेचे थे। अब आप खबर की गहराई को अब यहां से समझिए, इस वक्त में तीन महीने के अंदर बाहर के जो उद्योगपति हैं, बाहर के जो निवेश करने वाले लोग हैं, उन्होंने 3 महीने के अंदर 14 अरब डॉलर निकाल लिया, और ये 6 महीने से आगे जारी है, एबीपी की आगे खबर दिखाएंगे आपको। और जो 2008 के अंदर जो दुनिया भर में मंदी आई थी, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में जब दुनिया भर में मंदी आई थी, उस वक्त में 16 अरब डॉलर निकाला गया था, लेकिन अब ये निकाला जा रहा है तो 16 अरब डॉलर का जो रिकॉर्ड है वो शायद जल्दी टूट जाएगा। सोच करके देखिए, जब पूरी दुनिया में मंदी आई थी तब भी 16 अरब डॉलर जो है निकाले गए थे, और अब मात्र 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो 14 अरब डॉलर निकाले जा चुके हैं। क्या कहेंगे इसको? नवभारत ने इसको लिखा है, विदेशी निवेशकों का हो रहा बाजारों से मोहभंग, इस साल अब तक निकाली गई बंपर राशि, तो पैसा जो है वो निकल गया है। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर के लिखा है, फॉरेन पोर्टफोलियो, इस साल पीएफआई ने भारतीय बाजार से निकाले 1.14 लाख करोड़ रुपए, लगातार 6 महीने से हो रही है बिकवाली। अब इस चीज को बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के अंदर जो युद्ध हो रहा है उससे चीजें प्रभावित हो रही है, लेकिन यह सच्चाई पूरी नहीं है। हो सकता है कि अभी वो फैक्टर काम कर रहा हो, लेकिन पिछले छह महीने से यहां से लगातार लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कुछ एक जो बयान है, जो नरेंद्र मोदी के बयान, वो बयान कैसे बदली गए, और ये जो आज एफपीआई का पैसा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट का पैसा जो निकल रहा है, इसको लेकर के एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बाहर का पैसा लगता है, आप इतना समझ करके चलिए, जो दर्शक हमारे नहीं समझ पा रहे उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाहर का जो पैसा लगता है। तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले, एफडीआई का विरोध करते थे, यह बीबीसी की खबर आप देखिए, जब बीजेपी ने एफडीआई का विरोध किया था 20 जून 2016 की खबर जो है छापी थी। 2016 से पहले बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थी तब ये लगातार एफडीआई का विरोध करते रहे कि बाहर का पैसा यहां पर डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि भारत सरकार ने, इस बीबीसी खबर में नीचे की 2 लाइनें देखिए, भारत सरकार ने रक्षा, विमानन और ई कॉमर्स के क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। रक्षा के क्षेत्र में जो है वो बाहर की कंपनियां आकर के 100% अपना पैसा लगा सकती है, ये छूट तक इन्होंने दे दिया था। ये 2016 की खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, ये खबर है न्यूज 18 की खबर है, और ये न्यूज 18 की खबर जो है वो 2020 की है। इंडिपेंडेंस डे पर, आजादी दिवस पर जो है वो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर के क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी भारत के अंदर बाहर से इतने लोगों ने पैसा डाला है अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यह बात 2020 के स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कही थी। और अब देखिए आप 2021 की खबर, 11 अगस्त की जी बिजनेस की खबर है, इसमें क्या लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उद्योगों का साथ का भरोसा, कहा ब्रांड इंडिया को करना होगा मजबूत। अब आप बताइए, 6 महीने से लगातार यहां से पैसा निकाला जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी अगस्त में 2021 के अंदर क्या कह रहे थे, हमें ब्रांड इंडिया को मजबूत करना पड़ेगा, उद्योगपतियों के साथ हम हैं, उद्योगपतियों को मजबूत करेंगे। लेकिन कैसे जो है वो आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को हर चीज पर यू टर्न लेना पड़ा। 2018 के बजट में
एफडीआई के जो लिमिट थी उसको बढ़ाया गया था। आज तक की खबर आप देखिए, 2018 क्या एफडीआई पर यूटर्न ही मोदी सरकार का आखिरी दाव है, और तब अखबारों ने क्या लिखा था, आज तक चैनल ने उस वक्त में क्या लिखा था 2018 में, 11 जनवरी 2018 की खबर में आपको बता रहा हूं। इस मंजूरी देने के पीछे केंद्र सरकार की दलील है कि एफडीआई में नीति से सुधार में, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में, इंश्योरेंस में, पेंशन में, अन्य वित्तीय सेवाओं समेत ब्रॉडकास्टिंग, सिविल, एविएशन और फार्मा सेक्टर में निवेश लुभाने के लिए जरूरी है। कहा गया कि बाहर से अगर पैसा आएगा तो डिफेंस में अच्छा हो जाएगा, और तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, पेंशन में, डेवलपमेंट में और तमाम चीजों में जो है, फार्मा में, एविएशन में, तमाम सारे सेक्टर में बम बम हो जाएगी, ये बातें बताएगी। लेकिन कोई अब बता रहा आपको क्या, क्या किसी चैनल पर एक खबर चल रही है क्या कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जो है निकाल लिया गया है। अब इन क्षेत्रों का क्या होगा, जिन क्षेत्रों में बम बम करने की बात कही जा रही थी, जिन सेक्टर में कहा जा रहा था कि बम बम हो जाएगी, अब उनमें क्या हालत होगी। तो देखिए खबर जो है वो बड़ी हो गई है, लेकिन ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस खबर को अगर नहीं भी समझ पाए हैं तो एक बार फिर से पीछे चले जाइए, दोबारा से इस खबर को बैठ करके देखिए, आपको समझ में आएगी। ये खबर समझनी जरूरी है, खबर समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये पैसा निकाला जा रहा है तो उसकी चोट आप तक, हम तक जरूर आएगी। और पैसा जब देश के अंदर डाला जाता है, देश की तिजोरी में पैसा डाला जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर उसे हर कहीं पर जो है वो खुशहाली आती है, लेकिन जब पैसा निकाल लिया जाएगा तो फिर सबको मालूम है कैसे सूखे के हालात जो है वो बनते हैं। तो बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर, और जिस तरह से पैसा निकाला गया है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एंड सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।